मित्रों को जय जय सियाराम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी रहस्य को हम बताएंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धार्मिक कथाओं के अनुसार नारियल की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। नारियल की उत्पत्ति की कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में नारियल का बहुत ज़्यादा महत्व है। नारियल के बिना कोई धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होते, इसलिए नारियल का एक नाम श्रीफल भी है। नारियल के संदर्भ में हिंदू धर्मशास्त्रों में कई कथाएं प्रचलित है, जिसके अनुसार इस फल की उत्पत्ति हुई। नारियल की उत्पत्ति की कहानी राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे, जिनका ईश्वर में विश्वास था। इनके पास सारा वैभव सुख संपदा था, लेकिन इनके मन की एक इच्छा थी, वे किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सके, परंतु वहाँ कैसे जाएं यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनके देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताया। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वरदान देने का निवेदन किया। ऋषि ने भी उन्हें आज्ञा दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्द ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्ग लोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्ग लोक के पास पहुंचे थे कि स्वर्ग लोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना की जानकारी दी। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए, परंतु स्वर्ग लोक के देवताओं से बातचीत कर हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्ग लोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया। नए स्वर्ग लोक के नीचे एक खंभे का निर्माण किया गया। माना जाता है यही खंभा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया, जिसे श्रीफल या नारियल के रूप में जाना जाता है। तो बोलिए जय जय सियाराम, जय सियाराम।